रेखा जी, इस टाइम पर पहली दफा स्पॉट की गई हूँ नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में, जहाँ पर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और आदिया बच्चन के साथ इकट्ठे भी इनकी स्पॉटिंग की पॉजिंग की वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है। आपको दिखाएंगे शुरू में जिस तरीके से रेखा जी आई, इनके खुद नीता मुकेश के साथ इन्होंने अपनी अपेयरेंस दी, लेकिन इसके बाद ये खुद भी अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने अपेयरेंस दी। मुकम्मल वीडियो इस टाइम पर वायरल होने वाले दिखाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाइए। पहली दफा था कि नीता मुकेश अंबानी की एक बहुत ही ग्रैंड गाला में जहाँ पे रेखा जी को फुली तौर पर तैयार होते थे हुए देखा गया और फैंस का कहना था इतना तैयार क्यों हुई है। लेकिन खैर, अमिताभ बच्चन के बाद में आने पर जिस तरीके से फैंस का कहना था शायद इन्होंने इसी वजह से तैयार हो गया थी। इवन के माथा पट्टी की बात की जाए, इनकी फुल ज्वेलरी की बात की जाए तो फैंस इनको वाकई बहुत ज्यादा सराहते हैं इनकी हर चीज को, लेकिन यहाँ पर अगर तैयार होने की बात की जाए तो रेखा जी से ज्यादा इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई नहीं तैयार हो सकता। खैर, यहीं पर ऐश्वर्या राय की बात की जाए, राधा बच्चन की बात की जाए तो इनके साथ पॉज की वीडियो भी फैंस को पूरे सोशल मीडिया पर फैलती हुई नजर आई। फैंस का कहना है कि बहुत ही गहरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसी वजह से रेखा जी जिस तरीके से ऐश्वर्या राय, राधा बच्चन और मनीष मल्होत्रा के साथ पिक्चर्स खिंचवा रही हैं, फैंस मीडिया में ये बात बच्चन फैमिली के लिहाज से बहुत ज्यादा फैली कि आखिर बच्चन फैमिली से रेखा जी का एक बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध भी है और एक गायबाना प्यार भी है, जिसकी वजह से बच्चन फैमिली को हमेशा फुली तौर पर सपोर्ट भी देती है और फुली तौर पर इनके साथ भी रहती है। खैर, अमिताभ बच्चन को बाद में आते हुए देखा गया ब्लैक कलर के लैंप वॉक में, अमिताभ बच्चन सुपर क्यूट लगी, लेकिन रेखा जी से ज्यादा शायद इस इवेंट में कोई भी तैयार नहीं हुआ। व्यूअर्स, आपको रेखा जी के तैयार होना, रेखा जी की खूबसूरत सी साड़ी में इनकी अपीयरेंस कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।